और भी ऊंची बात है। ये तो चलो जब कोई नया नया संसार से आता है उसको हम लोग कहते हैं तुम भगवान में विश्वास रखो, पर अभी तो कौन से भगवान में विश्वास रखोगे? जिसके अंतर विश्वास प्रभ आया, तत्व बोध तिस मन प्रगटाया। हम सोचते थे जिसके मन में भगवान के लिए विश्वास आया, नहीं, जिसके मन में प्रभु पणे का विश्वास आया, गॉडहुड का निश्चय हुआ, आई एम दैट, वही तो तत्वबोध है। भगवान में विश्वास रख के तत्वबोध कैसे होगा? स्वयं में विश्वास रख के तत्वबोध होगा। तभी विवेकानंद ने भी कहा, पहले हम नास्तिक उसको कहते थे जो भगवान में विश्वास नहीं रखते थे, अभी हम नास्तिक उनको कहते हैं जो स्वयं में विश्वास नहीं रखते हैं। जो अपने निश्चय में पूरा नहीं है वो नास्तिक है। बाहर तो भगवान को सभी मान रहे हैं, आस्तिक हैं ऐसे तो, लेकिन सबसे ज़्यादा आस्तिक कौन माना जाए? जिसको अपने में विश्वास आ जाए, आई एम दैट, अपने स्वरूप के निश्चय से कभी नीचे मत आओ, हमेशा अपने निश्चय में अडोल होकर के रहो। अभी भगवान ने बोला चित्त के पैंजे सदाई स्थिर अडोल रख। अब अपने चित्त को अडोल कैसे रखा जाए? बिना स्वरूप के निश्चय के चित्त की अडोलता है ही नहीं। जीव भाव माना ही चित्त डोलायमान हो जाएगा, जीव भाव आते ही चित्त चंचल हो जाएगा। पर चित्त को स्थिर अडोल रखने का कौन सा तरीका है? सिर्फ एक निश्चय ही तरीका है। जब निश्चय की जोत जल जाती है, आत्म जागृति आ जाती है, चित्त अपने आप ही स्थिर हो जाता है, क्योंकि आत्मा का धर्म ही नहीं है संकल्प विकल्प करना, आत्मा निरसंकल्प है। ये तो ज्यों जीव भाव आता है फिर हलचल शुरू हो जाती है, थोड़ा सा ही कुछ बन जाते हो, जीव बन जाते हो, कुछ बन जाते हो, तो कभी परिस्थितियां भारी कर देती हैं, कभी सोच भारी कर देती है, कभी ख्याल बौरा देते हैं, ये सब जीव की लक्षणा है। अगर मिथ्या को मिथ्या करके देखो, कल भी बात चली थी भाई, अगर तुम देखने जाते हैं रामलीला, उधर लंका में आग लगाई गई, तो आग लगती देख के तुम फोन तो नहीं कर देंगे फायर ब्रिगेड को, आ जाओ आग लग गई है, जानते हो झूठ खेल है सारा, ये अभी लगा भी लिए अभी बुझा भी देंगे, इसको कंट्रोल में होती है वो। अगर आप देखते हो पिक्चर में हीरो को कैंसर हो गई, बीमार हो गया, फ्रूट लेके पता करने नहीं जाओगे, पता है आपको तो ठीक ठाक है, बीमारी उसका नाटक है। अब जगत में जो परिस्थितियां सामने आ रही हैं, इस सब को भी नाटक करके जानो, कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार, पर उसमें सतबुद्धि आ जाती है। सतबुद्धि आने से चिंताएं होती हैं, चित चंचल हो जाता है, कई संकल्प करता है, कई विकल्प करता है, लेकिन सच है क्या? सब मिथ्या है, जो हो रहा है उसको नाटक करके देखो, ये ऐसा ही बना पड़ा है। अच्छा बना पड़ा है तो कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत विचार है हमारे पास। अपने आप को अगर बनाना चाहें, हमारे पास बहुत विचार हैं, माया आचनी वंजनी कैड़े कैड़े भाई, बहुत रस्ते इसके जाने के। शुक्र है बीमारी में नहीं गया, शुक्र है कोर्ट कचहरी में नहीं गया, शुक्र है हमको नुकसान नहीं पहुंचा कुछ, बहुत से विचार हैं ना। तो चित्त को अडोल रखा जा सकता है अगर हम गुरु का कोई भी वचन धारण कर लें, चित्त की अडोलता सिद्ध हो जाती है। तो हमेशा चित्त को अडोल रखो और प्रसन्न चित्त रहो। बाहर से भले कभी कभी नाटक सब करना पड़ता है, पार्ट है, वो तो खेल था, खेल डाला इसी चाल से, पर अंदर ये महसूस होना चाहिए कि सचमुच मैं खेल खेल रहा हूँ, सतबुद्धि नहीं आए। जैसे आप देखते हो ना, बच्चे के साथ खेलते हुए हारने में भी हम हंसते और जीतने में भी हंसते हैं, दोनों बातें हैं।
ऐसे ही संसार की कोई भी हालत है, मेरे बस आ जाए ना आ जाए, अब जो खेल बना हुआ है, लेकिन मेरे चित्त की प्रसन्नता में फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ना मुझे चिंता चलनी चाहिए, ना ख्याल चलना चाहिए, ना मैं उलझना चाहिए। बी सीयर, देखने वाले बनो। अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसा भी होता है। कितना सुंदर वचन है गुरु का, ऐसा भी होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। शिष्य आया गुरु के पास, सत्संग सुनता था, पत्नी मर गई है, बोला बेटा ऐसा भी होता है। थोड़े दिन बाद आया, कोई और बात हो गई, ऐसा भी होता है। अब चार पांच बार उसने परिस्थितियां बताई और गुरु का एक ही जवाब था, ऐसा भी होता है। उसको गुस्सा आ गया, गुरु जी को चांटा दे मारा, मेरे साथ इतनी हालतें हैं और तू रोज कहता है ऐसा भी होता है। बोला बेटा ऐसा भी होता है, तेरे जैसा नालायक शिष्य भी आ जाता है किसी दिन, चांटा मारने वाला, ऐसा भी होता है। तो एक वचन पक्का कर लो, ऐसा भी होता है। नथिंग न्यू अंडर द सन, नई बात तो ही नहीं है कोई, होता आया है दुनिया में। तो वो जो हमारा चित्त चंचल हो जाता है ना परिस्थितियों के साथ, ये जीव भाव की निशानी है। फिर हम कुछ बन गए, फिर कुछ बना लिया, फिर मेरेपन का भाव आ गया, लेट इट बी, ये ऐसा ही बना हुआ है। अच्छा, अभी हमारी आंखें बंद हो जाएं, फिर हम क्या करेंगे? देखने आएंगे, जिसको जो करना करेगा। अब अगर विश्वास रखो हुक्म पर, तो फिर बुद्धि करने वाला भी भगवान बैठा हुआ है। अब क्या कही है, हमें करता दिख रही है, पर बुद्धि तो राम नहीं, हरि है उसकी। कौशल्या है, उसकी बुद्धि पे पर्दा किसने डाला? राम जी ने स्वयं डाला। तो अगर प्रारब्ध का कोई खेल है कहीं पर उल्टा सीधा, तो बुद्धि हरने वाला भी भगवान स्वयं है। हम ब्लेम भी नहीं कर सकते किसी को, ठीक है भाई उसका खेल यही बना होगा। किस है क्या संसार, जग जिसे कहते हैं कर्मों की खेती है, जैसा यहां बोए कोई वैसा फल देती है। कर्म काट रहे हैं सब, अब किसने किसका हिसाब कैसा देना है, क्या देना है, ये चलेगा। अभी हमको तो आज का दिख रहा है ना, पर बिहाइंड द पिक्चर क्या है हम नहीं जानते, बिहाइंड द कर्टेन क्या है। वो प्रेरित कर रहा है, उसके अनुसार सारा खेल चल रहा है। भले संभालने की कोशिश करो, राइट एटीट्यूड भी दो, लेकिन कभी अपने चित्त को अडोल मत होने, डोलायमान मत होने दो, अपनी स्थिति नहीं बिगाड़ो। अनकंसर्न रहो, अनअटैच्ड रहो, जैसे समझो कोई दूसरे की बात है। अभी भगवान ने कितनी अच्छी बात बोली, बेटा भंगन से भी शादी करके आ जाए, तो तुम ये सोचो बेटा मेरा है ही नहीं, पड़ोस वाली का है, जिससे मर्जी करे, हमें क्या करना। एक एग्जाम्पल दिया उन्होंने कि मेरा ना मानने से तुम्हारे चित्त की चंचलता शांत हो जाएगी, तो एक मेरा ना मानो। तो ये जो अंदर वाला हाइपर हो जाता है, कभी बीपी तेज हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जगत मिथ्या है। जगत मिथ्या है, जो कर्म प्राणी मिले ये भी सिर्फ कर्म काटने के लिए है। ना कर अब तू मेरा, मेरा मेरा मत बोलो, गलत फहमी है, तेरा कोई नहीं है, तुमने भी देना होगा। तो कर्म प्राणी यहां मिले, जो एक छत के नीचे रह रहे हो, ये चौराया है, चौराहे से चारों रास्ते अलग अलग जाते हैं, पर एक जगह मिले हुए भी दिखते हैं। सब अपने अपने जीवन की कर्म कहानी पूरी कर रहे हैं, बस एक छत के नीचे चौराहे पे मिले हुए दिख रहे हैं। है तो कर्म कहानी जैसी जिसकी बनी हुई है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये सब होता रहता है दुनिया में, चलता है, सब चलता है। मैं यहां कंट्रोल करता, मैं वहां, ये भी ब्लेम मत देना अपने को, क्योंकि कराना होता भगवान ने करा लेता, हुक्म यही था। अपनी तरफ से बहुत समझ से चले होंगे। अब कौन माँ बाप बच्चे को गलत संस्कार देता है, पर बच्चे बैड सोसाइटी में चले जाते हैं, गलत दोस्त मिल जाते हैं, ड्रग्स पीने लगते हैं, क्या क्या करने लगते हैं। तो क्या किसी माता पिता ने ऐसे संस्कार भी दिए होंगे? नहीं देते हैं, लेकिन पता नहीं कर्म कहानियां क्या क्या बनी हुई हैं। तभी दादाजी बोलते थे, तुम ये
जान लो ये माया अचणी मंजणी कैड़े कैड़े भाई, कैंजी दबी रही धूर में कैंजी साड़े भाई, कैंजी चोर खणी व्या कैंजी राजा खाए। इस माया के जाने के रस्ते बहुत हैं, किसी के चोर ले जाते हैं, कहीं आग लग जाती है, कहीं टैक्स पड़ जाती है, राजा ले जाता है, बहुत सारे तरीके हैं। हम बल्ले संभालते रहते हैं पर रेत है जैसे, मुट्ठी में बंद कर लो फिसल जाती है। आप कहते हो बाल बच्चे मेरे हैं, ये भी रेत है फिसलती है हाथ से। कितने मेरे बना लो, कितना मोह कर लो, शुद्धोदन जैसा मोह तो कोई कर भी नहीं सकता अपने बच्चों से। इतने विलास के इंतजाम कर दिए उसने बुद्ध के लिए, सिद्धार्थ नाम था, कि बाहर ना जाए कहीं, इसकी वृत्ति ना जाए कहीं, वो भी फिसल गया हाथ से, वैरागी जा बना। हम किसको पकड़ पाएंगे, ये सारी फिसलने वाली रेत है, ये फिसलेगी। किसी की भी जीवन लीला को सच मत जानो, ये सब नाटक चल रहा है, चलने दो। दृष्टा की कुर्सी पे बैठो, बढ़िया ताली बजाओ, अच्छी सीन है, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हो नाटक। और जब अपनी बारी आ जाए अपनी चाल भी चल दो, फिर आराम से बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब खेल है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी आंख बंद हो जाए, अभी परलय हो जाए, फिर क्या, फिर कुछ भी नहीं। ये सब इंसानी खेल है ना। भगवान ने बनाई थी पेड़, काट काट के अपने स्वार्थ के लिए तुमने बेची लकड़ी, ये तो इंसानी बुद्धि है ना। उसने बहाई थी नदियाँ, तुमने बोतलों में पैक कर करके बेची बिस्लेरी, इंसानी बुद्धि के कमाल हैं सारे। उसकी प्रकृति तो बड़ी स्वतंत्र, बड़ी स्वच्छंद, बड़ी प्यारी, निर्मल। ये सब कबाड़ा हम लोग करते हैं। तो ये संसार क्या है, आनंद के लिए, और इसमें मेरा बना के, तेरा बना के, इच्छाएं रख के कितनी टेंशन पाल लेते हैं हम। क्यों टेंशन में हैं, मेरा है क्या, ऐसे ही रोग लगा लेंगे अपने को, दिल दिमाग भारी करके। हल्को थियो मान उल्लास, हल्के रहो, आनंद में रहो, शौक डोने की बात ही नहीं है। किस चीज से शौक डोए, कोई नई बात है ही नहीं, शौक की क्या बात है। हम हैरान हुए, हैरान होने की कोई बात ही नहीं है, भगवान की दुनिया में सब चलता रहता है। जो सीन सामने, और ये सोचो इतने दिन से ज्ञान इसीलिए पहले मिल गया, सत्संग पहले मिल गया, क्योंकि ये आना था सामने। भगवान ने पावर हाउस से पहले कनेक्शन कर दिया कि इस सबको सहने की ताकत रखना। कितनी बड़ी बात है, परिस्थिति आने से पहले भगवान ने आपको थाम लिया, पकड़ लिया। नहीं तो हो सकता है दुखी हो जाते, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम आ जाती, दिमाग की नस फट जाती, परिस्थिति तो पता नहीं इंसान का क्या हाल कर दे। लेकिन कितनी अच्छी बात है, किसी भी हालत से पहले भगवान अपने नाम की ताकत दे देता है, हाथ पकड़ लेता है, वहां पकड़ उबार लिया, मोए भव सिंधु से पार किया। मेरी सतगुरु पकड़ी बाँ, नहीं तो मैं बह जाती। तो ये चित्त अडोल रखना है, ये भी ध्यान रखना, सत्य की नाव हिल सकती है, डूबती कभी नहीं। इसीलिए अपने चित्त को अडोल रखो, भगवान तुम्हारे साथ कुछ खराबी नहीं होने देगा, विश्वास करके बैठो। और बाकी तो जो खेल बना हुआ है होता रहे। इसी दिन के लिए तो ज्ञान पक्का किया था। जब लड़के का एक्सीडेंट हुआ, दोस्त मिलने गया, बोला कोई तकलीफ है तो बता, अस्पताल में जान पहचान है मेरी, काफ़ी हड्डियाँ टूटी हुई थी, मुंह की भी हड्डियाँ टूटी हुई थी, सब पट्टी बंधी हुई थी। कहता है डॉक्टर को बोल मुंह की पट्टी थोड़ी ढीली करे, दिक्कत हो रही है। कह रहे हंस नहीं पा रहा हूँ। अरे इतनी चोटें लगी पड़ी हैं, हंसने की ज़रूरत क्या है। कहता है इसी दिन के लिए तो हंसना सीखा था, इसी दिन के लिए हंसना सीखा हमने। दादाजी तो बोलते थे अपनी मन की बेवकूफियों पर भी खिलखिला के हंसो, खुश हो जाओ, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, भगवान मुझे बहुत पसंद है, जो तुम कर रहे हो बहुत पसंद है,
हर पिक्चर में तो ट्विस्ट है, मज़ा ही उसी पिक्चर में आता है जिसमें क्लाइमैक्स होता है ना, अचानक स्टोरी लाइन बदल जाती है, मज़ा आता है। एकदम सीरियस हो गई पिक्चर, शुरू में इतनी अच्छी चल रही थी, हंसा रहे थे, खूब कॉमेडी थी, अचानक मूवी ऐसे सीरियस मोड पे आ गई, फिर लास्ट में सब ठीक हो गया। तो पिक्चर कहाँ से बनाई जाती है, हमारी लाइफ की स्टोरीज होती हैं, उनको जोड़ जोड़ के एक कहानी बना देते हैं, कहते हैं पिक्चर हो गई, पिक्चर है ये। अभी तक कॉमेडी चल रही थी, अब थोड़ा सीरियस आ गया, फिर सब ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। लेकिन ट्विस्ट कितना भी आए, ऊंट कितने ही उठे कितने ही बैठे, संभाल करने वाले को क्या करना है, शांत करके बैठना है। ऊंटों के साथ अगर उठक बैठक करी तो खाम खा टांगे दर्द हो जाएंगी, और ऊंट अपनी मर्जी करेंगे ही करेंगे, ये कर्मों के ऊंट हैं, कभी उठेंगे कभी बैठेंगे, लेकिन हम अगर दृष्टा रहेंगे तो सुखी रहेंगे, अगर हम देखने वाले बनेंगे तो सुखी रहेंगे। अपने आत्मा के निश्चय में रहो, जब तक आवश्यकता ना हो बोलने की तब तक मन में भी कोई संकल्प मत पैदा होने दो। इतने स्ट्रांग बनो, मुझे अपना ध्यान अपने स्वरूप से बाहर ले जाना ही नहीं है, मैं क्यों सोचूं। अभी कोई पिक्चर देखते हो क्या आप चिंतन ले आते हो उसका, ये ऐसे करते ना, ये ऐसे बनाते हैं ना पिक्चर, चुपचाप बैठ के देखा एंजॉय किया आ गए। जहां भी रहो, घर में भी रहते हो ना, बस देखो ये सब पिक्चर चल रही है, ड्रामा चल रहा है, सबका ड्रामा देखो, कोई क्रोध कर रहा है, कोई रोष कर रहा है, कोई प्यार कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, पिक्चर चल रही है, बहुत बढ़िया। और विश्वास रखो, मेरे समझाने से भी अधिक जब परमात्मा को किसी की बुद्धि ठीक करनी है कर ही देगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जब परमात्मा को किसी की बुद्धि सही करनी होगी उस समय कर ही देगा वो, हमें नहीं सोचने की ज़रूरत। हम सोचें, हम ख्याल करें, हम बात करें, हम अंदर अंदर अपने आप को ऐसे सोचवाते रहें ये करूं वो करूं, नहीं, ये सब चित्त का चंचलपना है। मुझे नहीं कुछ करना है, शांत से बैठ जाओ, क्योंकि सोच भी कब रहे हो जब कुछ बन गए, कर्ता बन गए, भुक्ता बन गए, माँ बन गए, बाप बन गए, तब सोच रहे हैं ना, वरना सोचने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान पे छोड़ दिया हमने, ठीक है, फिर जो मुझे अकल दे सकता है सामने भी दे सकता है, मैं अपनी अकल बांटूं, इससे बढ़िया अब समझो कोई फकीर है, वो किसी सेठ के यहाँ से पूड़ी आलू ले आया, हलवा ले आया, दूसरा फकीर बोलता है मुझे दे दे, कहता है जाना बट रहा है वहीं ले ले, जिस भगवान ने तुम्हें अकल दी है उसको भी दे देगा, ये भी टेंशन छोड़ दो, मैं अकल बांटूं। फकीर कभी अपनी पूड़ी किसी को नहीं देगा, खुद खाएगा, वो कहेगा जहाँ बट रही है तो वहाँ से ले, तो हमें किसी को अकल भी क्या देनी है, जहाँ बट रही है वहीं से ले ले, परमात्मा बैठा है सबके लिए, सबको समझाने के लिए, सबको अकल देने के लिए, सबको विचार देने के लिए, हमें कोई ख्याल करने की आवश्यकता ही नहीं है। नाथ मेरे में क्यों कुछ सोचूं, तू जाने तेरा काम, जब भगवान का हुक्म है राखे राम तो मारे कौन, जब मारे ही राम तो राखे कौन। अब समुद्र सा कोट लंका से, लंका की क्या हालत है, लंका सा कोट समुद्र सिखाई, पर तिस रावण की खबर न काई, हुक्म था, नहीं तो समुद्र जैसी खाई पार करके कौन पहुंच सके, आइलैंड है पूरा लंका अपने आप में, अब तो एरोप्लेन का जमाना आ गया, उस समय तो कुछ नहीं था, ऊपर से लंका सा कोट, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें थी लंका की, लंका सा कोट समुद्र सिखाई, पर तिस रावण की खबर ना काई, उस रावण की खबर ही ना मिली, ये हुक्म है ना,
अपने आप ही जब समय आता है इंसान अपने विनाश का इंतजाम भी खुद करता है, किसी को कुछ नहीं कह सकते। भस्मासुर था ना, सबको भस्म कर देता था हाथ रख के, सारे देवता परेशान हो गए क्या करें। शिव जी बोले मैं इसको करता हूँ भस्म, उसके पास चले गए, उसको चैलेंज किया नाचने का। बोला ले नाचना कौन बड़ी बात है। शिव जी बोले जैसा जैसा मैं नाचूं वैसा नाचना, मैं तेरे को मान जाऊंगा। नाचने लगे, नाचते नाचते शिव जी ने सिर पे हाथ रख लिया अपने, उसने भी अपने सिर पे हाथ रख दिया, भस्म हो गया। ये भस्मासुर की कहानी आती है। जब समय आ जाता है ना विपरीत, बुद्धि भी हरी जाती है, और जब समय अनुकूल आ जाता है तो फिर तो पत्थर भी पानी में तैरते हैं, ये हमने देखा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो जीवन में भी ना समय का बड़ा प्रभाव है, कभी समय अनुकूल है कभी समय प्रतिकूल है, लेकिन जैसा भी समय आए हर समय में शुक्र शुक्र करो, बड़ा शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, कोई बात नहीं, अभी भी फायदे में है, अभी भी बहुत नुकसान नहीं है, अभी भी शुक्र है भगवान का, हमेशा भलाइयां खोज निकालो। दो दिन से बात रोज चल रही है, आनंद खोजो हर हालत में। तो कोई परिस्थिति सामने है, अपने से पूछो मैं फिर भी आनंद में हूं, मैं फेर में तो नहीं आ गया उन बातों के, मुझे उलझन तो नहीं है, मुझे हलचल तो नहीं है, मैं शांत चित्त हूं, मैं वैसे का वैसा हूं जैसा था, या मेरे मूड में तब्दीली आ गई है, ऑफ ऑन तो नहीं हो रहा हूं, अंदर ऐसा तो नहीं लग रहा फ्रस्ट्रेशन भर गई है, ऐसा तो नहीं लग रहा मन खिन्न हो गया है अंदर से। हमारी स्थिति में फर्क नहीं आना चाहिए। ज्ञान सुना है, विचार हमारे पास हैं, हमारी स्थिति एक सी रहनी चाहिए, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अभी टीवी में आग लगी, महाभारत का युद्ध हो रहा था, थोड़ी देर बाद टीवी बंद कर दो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अपना स्विच ऑफ करो ना, जब किसी बात से हटो, चित इतना क्लियर हो जाए जैसे टीवी की स्क्रीन क्लियर हो गई ऑफ करते, इतना क्लियर फील करना चाहिए अपने को कि जैसे कुछ है ही नहीं। होता रहे उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये संसार का खेल है, कुछ घड़े भरेंगे कुछ खाली होंगे, पर ना मुझे भरने से परेशानी ना खाली होने से परेशानी। शांत चित्त योगी उसी को कहते हैं, बिल्कुल शांत रहो, ड्रामे से ज्यादा कोई अहमियत मत दो। ऐसे तो एक पिक्चर भी देखते हो ना, थोड़ी देर के लिए लगता है जैसे हमारा एक संबंध जुड़ गया, कभी आप हीरो की साइड हो जाते हो, कभी हीरोइन की साइड हो जाते हो, कभी उनके पेरेंट्स की साइड हो जाते हो, थोड़ी देर के लिए संबंध जुड़ जाता है तो सच भासने लगता है। वही हालत है, वो जब अपने साथ कुछ बीतता है ना तो सतबुद्धि आ जाती है। ऐसे हजारों सीन देखे होंगे सुने होंगे, इफेक्टलेस रहते हो, पर वो जब अपने साथ कोई घटना घटती है उस समय ऐसे लगता है बड़ी सच्ची है ये, बाकी सबको मिथ्या करना आसान है। पिक्चर के प्रभाव से भी बाहर आ जाते हो दो घंटे बाद तीन घंटे बाद, पर जब कुछ अपने साथ घटता है मन कहता है ये तो सच है, इसको मिथ्या कैसे बोलूं, मिथ्या तो है ही ना। दादा ने बोला मुकर जाओ, तू पैदा हुआ है यहीं से मुकर जा, तेरी शादी हुई है यहीं से मुकर जा, तेरे को बच्चे भी हैं यहीं से मुकर जा, मुकरे हुए को क्या टेंशन। जिसने दिवाला निकाल दिया गुरु के मिलने पर, अब लोग दिवाला निकाल के कहते हैं दिवाली कैसे मनाएं, हमारा दिवाला निकल गया, और हम कहते हैं दिवाला नहीं निकला तो दिवाली कैसे मनाओगे। जब तक दिवाला नहीं निकालोगे अपना दिवाली कैसे मनाओगे। हमारे यहाँ तो दिवाली तभी मनती है जब कोई अपना दिवाला निकाल देता है, क्या कि मेरा कुछ है ही नहीं, ना मैं ना मेरा, अतीत हो जाओ सारी बातों से, ये बस मन अंदर
ख्यालों की चक्रियां घुमाता रहता है बैठा बैठा, फिर ये हो जाए फिर वे हो जाए, फिर ऐसे करूं फिर ऐसे करूं। होगा वही जो राम रचे राखा, तेरे हाथ में है क्या तू जान जरा, तू निर्बल और वो बलवान है, तेरे हाथ में नहीं है ना, तो चित्त को चंचल करने से क्या फायदा होगा, इससे अच्छा है शांत रहो, जो हो रहा है उसको देखने वाले बन जाओ। दिसविलाल सो पासवे, फिर कितने दिन चलेगा ये, फिर ये भी गुजर जाएगा, रहना तो है नहीं, रहना है क्या नहीं। वो बोला था ना उसको शिष्य को गुरु नानक देव जी ने, जा एक पैसे का जाके कोई ऐसी चीज ले आ जो सुख में सुखी ना करे दुख में दुखी ना करे। क्या लेके आया था, ये भी गुजर जाएगा, यही तो लेके आया था ना, ये रहना है ना ये रहना है। अगर सुख में याद रहे ये भी गुजर जाएगा, और दुख में भी याद रहे ये भी गुजर जाएगा, सुख भी नहीं सुखी करेगा दुख भी नहीं दुखी करेगा, नॉर्मल नेचुरल रहेंगे ना। चित्त में विक्षेप क्यों उठता है, शांत होना चाहिए, विक्षेपता की कोई बात ही नहीं है। कौन सी स्थिति है जिसके लिए गुरु ने पहले तैयार नहीं किया है, राम तीर्थ की तरह बोल सको, कौन सी है वो विपत्ति जो मेरी प्रसन्नता में बाधा डाल सके। अपने मन को हमेशा स्ट्रॉन्ग विचार देके, ज्ञान का विचार देके बिल्कुल कूल रखना चाहिए, ये तो चलेगा। लड़कियां शादी करके जाती हैं, ये दिक्कत है वो दिक्कत है, भाई चॉइस तुम्हारी थी, अब अपनी लाइफ को सेट करो, उसी में खुश रहो। बस अपने मन को एक ही विचार दो कि अब जो उसकी प्रारब्ध का खेल है, कोई फालतू चिंतन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परिस्थिति इतनी नहीं है जितना इंसान उस परिस्थिति को बड़ा करके देखता है। सीधी सी बात है, इतनी बड़ी तो कोई हालत भी नहीं होती है, कुछ अपने स्वभाव ठीक करने पड़ते हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, ये तो कॉम्प्रोमाइज तो लाइफ का एक बड़ा स्ट्रांग पहलू है। जो नहीं समझेगा वो अशांत रहेगा, जो समझ जाएगा शांत हो जाएगा। उसमें भी हम क्या मन चलाएं, उसमें भी शांत रहो कि भैया ये तो अब तुम्हारी कर्म कहानी है, तुम्हें ही सेट करनी है। अभी कोई हमें फोन करके कहे हमारा टीवी खराब है तो हम थोड़ी यहां से बैठ के सेट करेंगे, रिमोट से सेट करो, टीवी वाले को बुलाओ, हम क्या करें, कुछ कर सकते हो, कुछ भी नहीं। कोई कहता है मेरी लाइफ की मूवी सेट करो, बोलो आपको खुद सेट करनी है, हमें तो देखनी है, सेट तुम्हें करनी है। एक्टर थोड़ी हमें आके कहेगा मेरी पिक्चर तुम सेट करो, हम बोलेंगे सेट तुम करो, एक्ट तुम करो, जब लगेगी सिनेमा में हम देख आएंगे। बच्चों को भी बोलो, बोलो अपनी मूवी खुद सेट करो, हम देखेंगे कि हमारे संस्कार क्या काम कर रहे हैं, हम देखेंगे तुमने गुरु का ज्ञान सुना है कैसे स्ट्रांग बन के जीते हो, कैसे आनंद में रहते हो। लिव हैप्पीली, खुश होके दिखाओ अपनी परिस्थितियों में, ज्ञान किस लिए सुना था, स्ट्रांग बनो। मन सबका चिंतन लेगा ना, अगर ठेकेदार बन जाओगे, माँ बनोगे बाप बनोगे ठेकेदार बन जाओगे और सबके ठेके उठा लिए तो सिर गंजा हो जाएगा तुम्हारा। लोगों ने तो ऑर्डर दे देना, घर बनाओ, ठेकेदार की मुसीबत आ गई, कभी लेबर नहीं सुन रही, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो हमें ठेकेदार बनना ही नहीं किसी का, क्योंकि मेरा अपना ठेकेदारी मैंने अपने गुरु को बना दिया, मैं किसका ठेका ले सकता हूं, मैं तो ले नहीं सकता किसी का ठेका। तो हर कोई अपनी अपनी आप निभाए, बिल्कुल अपने को हर सीन से अलग करते जाओ, हमें इतनी रमज होनी चाहिए हर सीन से अपने को न्यारा कर लें, ये चलता रहेगा। देखो पानी है, मछली को जीवन देता है ना, लेकिन अगर जाल बिछा दे शिकारी, पानी अपना साइड होके निकल जाता है, फंसती है मछली तो फंसे, वो निकल जाता है, पानी फंसा जाल में, मछली फंसी,
वो ये भी नहीं सोचता ये मेरे आधार पे जीती है, क्योंकि जब वो आधार ले रही है तब भी पानी को ये ख्याल नहीं है ये मेरे आश्रय जी रही है, इसीलिए जब जाल बिछता है पानी अपना निकल जाता है। पानी से निर्लिप्तता सीखो, निकल जाओ बीच में से हर सीन के। अब ये तो चलता रहेगा भाई, सबके यहां चलेगा, ऊंच नीच सब होगा, हम कहां तक ख्याल करें, हम कहां तक चिंतन करें। उल्टा चार ज्ञान के जवाब दोगे अगला अपने आप बातें करनी कम करेगा। हम सुनते हैं तो कोई सुनाता है ना, हम क्यों सुनते हैं व्यर्थ जगत। और आपने देखा होगा जब कोई रो रहा है पुचकारो तो ज्यादा जोर से रोता है, एक डांट लगा दो। बच्चों को बचपन में क्या करते थे, एक दो बार तो प्यार से बोला चुप हो जा पानी पी ले, अब मैं दो लगा दूंगी चुप ना हुआ तो चुप हो जाता था, अब तो माँ को गुस्सा आ गया और मारेगी। ये बड़ेपन तक भी रखनी पड़ती है कहानी साथ, नहीं तो हमेशा आप भारी रहोगे, आप चिंतन करोगे। कई लड़कियों को मैंने देखा अपने घर में सेट रहती हैं, माँ बाप से बात करेंगी कहानी ये वो ऐसा हो गया वैसा हो गया, वो माँ बाप बेचारे चिंता करें, वो अपने घर में खुश हैं, वैसे आपस में खुश हैं, अब एक आधी बात हो गई वो कहानी सुना दी, बेचारे माँ बाप चिंता लेके बैठ जाते हैं, पता नहीं बच्चा हमारा बच्चा बहुत बड़ा हो गया, सही है बिल्कुल ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब इतना तो कॉम्प्रोमाइज करना भी पड़ेगा, फिर थोड़ा तो प्रसाद मिलना ही है शादी ब्याह का, उसमें क्या, जितनी मौजा माणिया उतना भया रोग, और मौज तुम लोगे तो रोग हम थोड़ी भुगतेंगे, रोग भी तुम्हारे हैं, सीधी सी बात है। सारा कुछ ममत्व के नजरिए से नहीं सोचना चाहिए, भारी करता है। कोई भी बात सामने आए ना उसको इस वे में देखो, कोई सत्संगी ये बात करता तो मैं क्या सलाह देता, बस उतनी सलाह अपने मन को दे के चुप कर बैठो, ये चलता रहता है, क्योंकि आप भी अनुभव करते हो, किसी का हंसना सच नहीं किसका रोना सच नहीं। एक दिन फोन आ जाएगा बेटी का दुखी, अगले दिन हंसते हुए फोन करेगी, तो पागल तो तुम बने ना, सारी रात सोचा बेचारी ठीक होएगी रोटी खाई होएगी इस फलाना, और वो रात को मम्मी फिर हम ना पार्टी में चले गए थे रात को, हम ना रेस्टोरेंट, तुम्हें अपने पे गुस्सा आता है, मैंने सारी रात काली की, ये माई तो अपना रात को खुश है, घूमाइए जाके पिक्चर देखा ये तो गीता भगवान क्या बोलते हैं, किसी का रोना भी सच नहीं किसी का हंसना भी सच नहीं, आज हंस रहे हैं खुश हो रहे हैं कल फिर रोएंगे, फिर आज रो रहे हैं कल हंसने ही वाले हैं। तो अपने मन को समझाओ, मैं क्यों दिमाग खराब करूं अपना, भाई रिलैक्स रहो, ये पिक्चर है, कभी खुशी कभी गम चलेगी, ये K3G है, ये फोन आ जाए ना किसी का, मेरे कभी कभी ये लोग पूछते हैं किसका फोन था, इनका कुछ नहीं K3G है, कभी खुशी कभी गम ये होने ही वाला है, अभी हंस के फोन कर रहे हैं कल रो के फोन करेंगे, अभी रो के फोन कर रहे हैं कल हंस के फोन करेंगे, ये K3G है और कुछ नहीं, इससे ज्यादा कुछ होता ही नहीं। हर कोई अपनी परिस्थितियों में एडजस्ट होना जानता है, बस जब तक हम पकड़े रहेंगे आधार देंगे अगला हमें साथ घसीटना चाहेगा, हम साइड हो जाएंगे अपनी स्थिति आप पे टैकल कर लेंगे। सबको अकल है, जिसको रोटी खानी आ जाती है उसको अपना सब काम करना आ जाता है, शरीर की भी उम्र जब हो जाती है जिस दिन अपने आप रोटी खानी आ जाती है अपने सारे काम करने आ जाते हैं, माँ धीरे धीरे छोड़ देती है, नहाओ भी आप पे खाओ भी आप पे, और पहले तो पॉटी भी माँ साफ करती थी, पर जिस दिन रोटी खानी आ गई उस दिन से छोड़ देती है, सीधी बात है। बच्चों को भी देखो बड़े हो गए, बच्चा मत देखो उनको, बड़े हो गए और बड़े हो गए हैं तो अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, कुछ सुनना भी कम करो संसार की बातों को, क्योंकि आपकी आत्माकार वृत्ति पक्की नहीं हो पाएगी, रोज दिमाग में क्यों सुन लो और मन प्रभावित ना हो, इतने पक्के तो हो भी नहीं, सुन के थोड़ी देर तो ख्याल चल जाता है, मूड भी अपसेट हो जाता है, सोच भी चल जाती है। तो दादा का फिर वचन याद करो, अच्छा अगर हम पूछेंगे अगले से बदलोगे, कहेगा नहीं बदलना भी नहीं है,
दादा पूछते थे ना सबसे, कोई लेडी शिकायत करती थी आदमी खराब है भगवान, दादा बोलते थे बदलेगी चेंज करा दूं, भगवान कैसी बात करते हैं, जब बदलना नहीं है तो उसी से एडजस्ट होना है ना, चुपचाप एडजस्ट हो। कई कई जगह पर आपको दादा भगवान का, लक्ष्मी भगवान का, गीता भगवान का ये आदर्श आगे रखना पड़ेगा, तभी न्यारे हो पाओगे। नहीं तो बड़ी गंदी मोह में स्थिति होती है, बच्चे क्या करते आखिर तक भी अपनी दलदल में भी हम लोगों को घसीटेंगे। अब तुम्हारी घर गृहस्थी तुम जानो ना, घसीटते हैं वो, नहीं फलानी बात ऐसे है फलानी बात, हम क्या करें, कभी कभी बोल दो, बोलो हम क्या करें, एडजस्ट योर सेल्फ, टेकल करो अपने आप, बड़े हो गए हो अब मेरा पीछा छोड़ो। चित्त अडोल करने के लिए कहीं कहीं रूढ़ होना पड़ता है, कहीं कहीं स्ट्रांग होना पड़ता है, कहीं अपने को ब्रह्म विचार दे के खाली करना पड़ता है, बहुत से विचारों का सहारा लेके चित्त अडोल किया जाता है, क्योंकि फिर सीन क्रिएट होते ही रहेंगे तो सबके घर में होंगे। अब कमेंट्री देने वाला जो होता है, पूरा मैच चलता है 8 घंटे, अगर मैच चलता है 8 घंटे वो बोलता है। अब किसको नहीं आता मैच देखना, सबको आता है ना, भी क्या हो रहा है दिख रहा है, उसके बावजूद वो 8 घंटे बोलता है, तो ये दुनिया की तो कहानी यही है। अब आपको नहीं पता घर गृहस्थी में क्या होता है, फिर भी बोलना है उन लोगों ने, ये हो गया वो हो गया ऐसा हो गया, बोलो बेटा कमेंट्री ना दे, मेरे को पता है ये होता है, ये चौके छक्के तो लगने हैं, विकेट उड़ने हैं, कभी तू फील्डिंग करेगा तो कभी अगला फील्डिंग कर जाएगा, होगा, हम क्या करें, न्यारे होना भी सीखो। अगर इन्हीं चिंतन में पड़े रहोगे आनंद कब लोगे। जीवन मुक्त किसको कहते हैं, जो चल रहा है वो चलने दे पर उसका आनंद बरकरार रहे, क्योंकि जगत स्वभाव से मिथ्या, जगत तो बना नहीं है, सपने की माया है सारी। फ्री करो अपने को, बिल्कुल आनंद में रहो, ये ज्यों का त्यों चलेगा संसार। कभी देखा है आपने ट्रक के पीछे, ज्यादा वो जो भैंस गाड़ी होती है उसके पीछे लिखा रहता है या तो न्यू ही चलेगी, हरियाणा में जाओ ना आप, या तो न्यू ही चलेगी। तो अपने मन को समझा दो ये इन सब की गाड़ियां तो ऐसे ही चलनी है। अब कोई बैठा ही बैलगाड़ी में है, भैंस गाड़ी में, धक्के भी लगेंगे झटके भी आएंगे, अब हम क्या कर सकते हैं, या तो बैठता है एरोप्लेन में, उसने खुद ही चुना मेरे को भैंस गाड़ी में बैठना है तो बैठे, रिलैक्स रहो। जब तक डिसीजन दोगे अगला डिसीजन मेकिंग नहीं सीखेगा। चोर ने क्या किया, छोटा चोर था बेटा उसका चोर का, कहता है पिताजी मुझे भी तो किस दिन चोरी करनी सिखाओ, आखिर तो पुश्तैनी धंधा करूंगा तो मैं भी यही। बोला चल बेटा आज ही ले चलता हूं। चोरी करने भी गए राजा के घर, अच्छी भली चोरी कर ली, सब हो गया। निकलते निकलते बड़े चोर ने जोर से आवाज कर दी, सैनिक जग गए, राजा जग गया। अब बड़ा चोर तो शातिर था, 1 सेकंड में गायब। अब छोटा चोर बेचारा फंस गया, ना उसको जंगल के रास्ते पता ना कुछ पता, और सैनिक उसके पीछे लग गए। भागा 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 भागा, एक पेड़ पे चढ़ गया पत्थर लेके। जैसे ही सैनिक थोड़ा करीब आने लगे पत्थर फेंक दिया कुएं में। सैनिक थोड़ी देर झांकते रहे, उनको लगा बच्चा मर गया अंदर कूद के, छोटा चोर था मर गया, वापिस चले गए। ये बचता बचाता रास्ता ढूंढता अपने घर पहुंचा, वो बड़ा चोर रोटी खा रहा था, और गुस्सा आया इसको, मेरे को वहां हालतों के बीच छोड़ दी तो रोटी खा रहा है। कभी कभी बोलते हैं ना अपने बच्चे भी, माँ तेरे अंदर रोटी चली गई, मैं आया नहीं तुमने खाना खा लिया, मेरे साथ ही हालत बीत रही, आप पार्टी में एंजॉय कर रहे हो, बच्चे बोलते हैं कभी कभी। छोटे चोर को भी गुस्सा आ गया, बोला मेरे को ऐसे फंसा के और तू अपना यहाँ रोटी खा रहा है बैठ के। बोला अच्छा ये तो बताया कैसे, ऐसे ऐसे पत्थर फेंका। मैं ये युक्ति तो मुझे भी नहीं आती थी, मैंने तेरे को हालतों में छोड़ दिया तो अपने आप तूने जूझना सीखा और युक्ति निकाली ना,
अगले का दिमाग कब चलेगा? जब हम उसका खेड़ा छोड़ेंगे। जब तक हम सपोर्ट करते रहेंगे, अगला व्यक्ति अपने दिमाग से चलेगा ही नहीं, अपनी हालतों में एडजस्ट होगा ही नहीं। और हम कब तक साथ दे पाएंगे, हम कब तक सुनेंगे बैठ के? तो धीरे धीरे निकालना सीखो अपने को। हर किसी को बुद्धि देने वाला भगवान बैठा है, अपने आप करेगा। और ये नहीं खाली बाहर से छोड़ो, अंदर से छोड़ो, अपने को एकदम मस्त रखो, मस्त फकीर। मियां मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ। हलवा बनता है ना दोनों में प्रसाद का, मियां मरे तब भी, बीवी मरे तब भी, पंडित भी वही, हलवा भी वही। सिर्फ खाने वालों की सोच बदल जाती है, वो कहेगा आज तो मैंने भोग था, प्रसाद था, क्योंकि शादी का रखा हुआ था पाठ, आज तो मौत का पाठ था उसका हलवा। खाने वालों के विचार में फर्क, हलवा वही, हलवे का स्वाद वही, पाठी वही, ग्रंथ साहब वही, सारा कुछ वही है। मस्त फकीर हो जाओ। मियां मरे तो भी हलवा खाना है, बीवी मर जाएगी तो भी हलवा खाना है, खाना तो वही हलवा है। तो खाओ अपने आनंद का हलवा, बाकी ये सब चलता रहेगा। इसमें सच क्या है? कुछ भी नहीं। और फिर जब किसी को हालत है, दुख है, तो तुम्हें पकड़ता है। खुश में कोई नहीं पकड़ता, पकड़ता है कोई? सुख में कोई नहीं पकड़ता, दुख में हर कोई पकड़ने को तैयार है। ऐसे करो वैसे करो, बोलो हमने सब कर दिया, करना था सो कर चुका, दे मानस की धर चुका, और क्या करूं अब? न्यारा करो अपने को। एक्टर है वो पिक्चर में मार भी खाएगा, डायरेक्टर सिर्फ डायरेक्शन देगा, मार इसको, विलेन को कहेगा मार इसको। एक्टर बनेगा, अगर रिवॉर्ड मिलेगा एक्टर को तो मार भी तो एक्टर ही खाएगा, तो मैं एक्टर क्यों बने? डायरेक्टर रहो, ऑडियंस रहो, आराम से देखो बैठ के। देखा दुनिया का झूठा जमेला, तो मन को हटाना पड़ा। ऐसे चित्त डोल नहीं हो सकता, ये सब झूठे जमेले से मन को हटाना पड़ेगा। किनारे लगा लो अपने आप को ना, ये मेरे, अगर ये भी मानोगे ना भगवान ने हमें निमित्त तो बनाया है फलान, तो फिर भी फंसोगे। निमित्त मानना भी छोड़ दो अपने को, निमित्त भी वो आप ही बनाए सबका, मैं तो हूं ही कहीं नहीं। थोड़े दिन आपकी निर्लिप्तता किसी को दुखी कर सकती है, पर उसके बाद वो अपने में स्टैंड हो जाएगा। पर जब तक हम आसरा बने रहेंगे, अगला सारी जिंदगी रोएगा, क्योंकि उसको आदत ही नहीं होगी सॉल्व करने की। अपने आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करे, अपनी परिस्थितियों में खुश रहना सीखे। आज आपको पता है कि हम सुनते हैं तो आप सब बात करते हो ना आके, और जिस दिन हमने डंडा उठाया, भगवान पहले सुनते थे, काफी टाइम सबको सुनते थे, सलाहें देते थे, फिर एक दिन उठा लेते थे डंडा। तुमने मेरे को डस्टबिन समझा? रोज घर से कचरा उठा के रन चली आती हो, थोड़ी देर तो अगला सत्संग में भी रोके जाता था। अब गुरुजी ने भी आसरा हटा दिया, लेकिन थोड़ी दिन में भगवान कहते थे देखो इसका चेहरा चमक गया ना, खुश रहना सीख गई ना, क्योंकि इसको पता है हम सुनेंगे, रोज घर से कचरा ढोके हमारे लिए ले आती है। अगर किसी को पता होगा कि आप सुनते हो कचरा, तो सुनाता है, नहीं तो वहीं खत्म करेगा अपने घर में कहानी। अब 24 घंटे अगले ने बात याद की, क्यों? तुम्हें फोन पे सुनाएगा, बेटियां सुनाती हैं माँ को, दो दिन तीन दिन पुरानी बात नहीं हुई ना मम्मी आपसे, तीन दिन पहले पता है सास ने क्या किया, पता है इन्होंने क्या किया, पता है। और माँ आगे से कहे, ये सब चलता है गृहस्थी में, चुप कर, अच्छी बात कर कोई, तो आगे से वो तीन दिन याद करनी छोड़ देगी बात, थोड़ी देर पहले की भी नहीं बताएगी, कहेगी फायदा ही नहीं, माँ पागल है मेरी, सुनती नहीं कुछ, चल काम खत्म। अब सुड़ना कुड़ना रिपीट करना, उसका भी तो छूट जाएगा। थोड़ी देर में खुश हो बैठेगी अपने आप की, मेरे को एडजस्ट यहीं करना,
और ये भी अनुभव करो, कभी किसी को सलाह दे के देखो, फिर अगला थोड़ी थोड़ी देर में जो आप सलाह दोगे, ऐसे नहीं ना, फिर ऐसे थोड़ी कहा जाता है घर में, ऐसे थोड़ी किया जाता है, मतलब करना अगले ने वो जो उसको पसंद है। आप सिखाओ तेज हो ना सिखा दो, आप तू भी दे दिया कर जवाब, तू भी ये किया कर, फिर क्या कहता है अगला, मम्मी आपको नहीं पता ऐसे थोड़ी घर में बात करते, कभी आपको अच्छा तू चुप हो जा मत बोल, हाँ हमको भी दब्बू बना दो अपनी तरह आप। तो भैया तुझे करना वो जो तुझे करना है, मेरी सांसें क्यों खराब करवाएं, स्वार्थी बन जाओ, अपनी एक एक सांस का मोल डालो, ये गवाने के काबिल नहीं है। पहले इतनी लेट आपने ज्वाइन किया सत्संग को, जो काम बचपन से करना था बुढ़ापे में आके किया है, अब भी अगर सम्मान ऐसे बर्बाद होगा समय हमारा, फिर कैसे चलेगा। जगत का मिथ्यापन मुझे भी तो अंदर से अच्छी तरह पक्का हो ना, मैं बहना जाऊं किसी परिस्थिति में, बहना नहीं है, अपनी अडोलता में रहना, ये ध्यान रखना। ज्यादा ममता में अगर बहोगे किसी के साथ, वो तुम्हारी कमजोरी पकड़ लेगा, कमजोर होके कभी नहीं दिखाना किसी को, बैलेंस होके दिखाना, अपने बच्चे भी होना चाहे उनके आगे भी हमेशा बैलेंस रहना। अति का क्रोध, अति का चिपकना, दोनों आपकी कमजोरी है। हमेशा एक ज्ञानवान बैलेंस्ड व्यक्ति की तरह हर बात को टैकल करो, अगले को ये महसूस हो जाए कि ये अपने आप में बड़े स्टेबल हैं, नहीं तो नचा देंगे तुम्हें बच्चे ही, उनको मोह नजर आ जाता है, हाय मेरी जरा सी बात पे इनको इतनी चिंता हो गई, इतने हाइपर हो गए या इतने कमजोर हो गए, रोने लगे, नहीं बैलेंस्ड, अच्छा अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं, बताओ ठीक से बात सॉल्व करते हैं। बैलेंस, बैलेंस नहीं खोना है, बैलेंस खोने का मतलब है मोह, मोह माना बीमारी, और आपकी कमजोरी पकड़ लेते हैं सब लोग, कमजोर होके कभी नहीं दिखाना चाहिए किसी को भी, बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्यों, आज तो चलो दो जीव तुम साथ बैठे हो, कौन आगे कौन पीछे, अगला कमजोरी का फायदा उठाएगा, मेरे बिना रह नहीं सकते, मेरे में ममता है इनकी, फलाना है टीरा है मेरी तो थोड़ी सी बात पे, हम बड़े शांत चित्त हैं, बैलेंस्ड हैं। आपने देखा क्लास टीचर को गुस्सा आता था, प्रिंसिपल को नहीं आता था, और प्रिंसिपल से सब ज्यादा डरते हैं। क्लास टीचर डंडे भी मार देती थी, मुर्गा भी, और प्रिंसिपल के पास चल चल, प्रिंसिपल के पास ले गई बांह पकड़ के, और प्रिंसिपल मैडम कितनी शांत से चश्मा उतार के, हाँ बेटा क्या हुआ, आप क्लास में ऐसे करते हैं, ठीक है कल पेरेंट्स को ले आना, वो कूल, ऐसे कूल, ऐसे स्कूल प्रिंसिपल की तरह आराम से बैठ जाओ रॉकिंग चेयर पे, हाँ क्या हुआ, अच्छा अच्छा ठीक है, प्रकृति मां पकड़ के ले आई है ना किसी हालत की, कोई बात नहीं, प्रिंसिपल की तरह बैठ जाओ, देखते हैं सोचते हैं। कभी किसी को ना हमारे फेस एक्सप्रेशन से ना हमारी वाणी से ये फील नहीं होना चाहिए कि हम अंदर तक हिल गए हैं, हिलना है भी नहीं, और कभी गलती से थोड़ा हिल भी जाओ किसी को फील मत होने दो हिल गए हो, ये कमजोरी फिर कहीं ना कहीं मार खिलाएगी आपको, कमजोर नहीं होना बिल्कुल। माए अगर थोड़ा सा सही रुख रखे ना, तो आने वाली तुम्हारी बहुओं को भी बेटे पहले बता देंगे मम्मी मेरी बैलेंस्ड है, उसको नहीं फर्क पड़ता, वो अगली पहले से कान उसके सही होते हैं, दिमाग ठिकाने आती है, पर यही लड़के ही मरे बता देते मेरी मम्मी तो बड़ी इमोशनल है, मेरे को लेके तो बड़ी इमोशनल है, वो भी फायदा उठाती है फिर आके, फिर ये लड़के भी साथ मिल जाते हैं, बैलेंस्ड रहो हर बात में, बैलेंस्ड रहो, कोई बात नहीं ठीक है, बड़ा दिल है मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया ना कोई बात नहीं ठीक है, हमेशा स्ट्रांग रहने का, अंदर से भी बाहर से भी, व्यवहार के हिसाब से भी हित है अडोल रहने में, और परमार्थ के हिसाब से अडोलता आनंद है।
व्यवहार परमार्थ दोनों में अडोलता बनी रहनी चाहिए। कभी अपने को हलचल में मत डालो, कभी किसी को ऐसे वीक होके मत दिखाओ, कैसा भी कोई आ जाए। अति, जब हम किसी भी तरफ अति में जा रहे हैं, ये हमारी अंदर से कमजोरी है। अति कोई भी कमजोरी है हमारी, फील करके देखना। क्रोधी लोग जो होते हैं ना, जो क्रोध करते हैं, बहुत कमजोर हैं वो। आप सोचते हो स्ट्रांग लोग क्रोध करते हैं, नहीं, कमजोर लोग। वो इतना जल्दी इनसिक्योर फील कर जाते हैं कि चीखने लग जाते हैं हर बात में। क्यों गुस्सा करते हैं? अंदर कमजोरी है, इनसिक्योरिटी है, तभी तो क्रोध बाहर निकलता है। लेकिन ज्ञान के बाद हर चीज को बैलेंस्ड वे में लो। ठीक है, हो जाएगा, सब हो जाएगा, अच्छे से होएगा। ज्ञानी का नेचर ही नहीं है एक्साइटेड होने का। कोई भी बात सुनते हो, एक्साइटेड मत हो जाओ, पहले ही विचार करके सुनो, ऐसा भी होता है, कोई बात नहीं। एक्साइटमेंट्स नहीं होने चाहिए अंदर। ये एक्साइटमेंट्स जो हैं, ये आपके बीपी लो हाई करते हैं, एकदम शूट करता है अंदर बीपी हाय, ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा क्या होता है, चलता है सब, इट्स ओके, एक्सेप्टेबिलिटी है। रोज विटामिन ए कहते हैं, खा जाओ, जो आया एक्सेप्ट कर लो, और इतने प्यार से खुशी से एक्सेप्ट करो, झटका सामने वाले को दे दो। आपको तो बचपन से आते हैं झटके देने, जब बच्चे नहीं पढ़ते थे, पहले कहा पढ़ पढ़ पढ़, फिर थोड़ी देर चुप हो गए, घंटा दो, आपकी चुप्पी अगले को शॉक कर देती थी, माँ आज बोल नहीं रही, पता नहीं मारेगी क्या करेगी, चुपचाप किताबें उठा के पढ़ने बैठ जाते थे बच्चे, देते थे ना शौक बच्चों को छोटे होते। बड़े होते भी शौक दिया करो, मौनता, रिलैक्स, शांत। अगला एक्सपेक्ट करे तुमसे कुछ आएगा, कुछ ना आए, मुस्कुराहट रहे चेहरे पर। शॉक ट्रीटमेंट बड़ा काम करता है, और आप लोग अपने को शॉक कर लेते हैं। अपने को क्यों, इस उम्र में कोई शॉक देता है अपने को? अपनी जान पे खेलना है हमने, तुम्हारी कहानियां तो चलती रहेंगी, क्या करें हम? हम अपने को शॉक काहे दें? हमारा बुढ़ापा खराब हो जाएगा, कोई बीपी वीपी हो गया, शुगर हो गई, हमारी मुसीबत खड़ी हो जाएगी, और तुम फिर भी वो करोगे जो करना है, तो फिर हम क्यों ना रिलैक्स रहें? दिल दिल भर की जगह, झटके भगवान को झटका साथ लगता है, जब तुम झटके खाते हो, झटके मत खाया करो, बोलो मेरे भगवान को तकलीफ होगी, मैं झटका तो खा ही नहीं सकता, मैं शांति से सॉल्व करूंगा हर बात। हमेशा अपने चित्त को अडोल बनाओ, मजबूत, आराम से बैठो। ठीक है, इंदिरा गांधी देखा कितनी कूल रहती थी, सारा दिन काम करती थी और कूल रहती थी, ये उसकी सफलता का रहस्य था। आप भी कूल रहो, काम सब करो, संभालो सब, लेकिन ओवर रिएक्शंस नहीं किसी भी बात के लिए। हर बात को आराम से लेना, टेक इट इजी, बहुत इजी है। क्यों इजी है? क्योंकि जैसे फैक्ट्री वाले कोई भी ताला बिना चाबी के नहीं बनाते, भगवान ने कोई प्रॉब्लम बिना सॉल्यूशन के बनाई नहीं, चाबी तो है ही सही, नहीं मिल रही घर में चाबी, क्या तो इधर कहीं पड़ी होगी, अभी मिल जाएगी, अभी मिल जाएगी, चाबी है घर में, कहीं नहीं गई, तो कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन घट में ही है, कहीं नहीं है, मिल जाएगा, समय आने पर मिलेगा, लेकिन जब भगवान का हुक्म है वो ताला खोलने का, तब खोल देगा, कोई बात नहीं, देख लेते हैं, वेट कर लेते हैं, तब तक क्या हो गया फिर। लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगड़ता, क्योंकि मुझे विश्वास है गॉड कैन डू नो रॉन्ग, मेरा भगवान मेरी बुराई तो कर नहीं सकता, करेगा तो भलाई। अब जैसे मेरी भलाई उसको लग रही है वैसा वो करे, मुझे क्या परेशानी है।
मैंने मन में एक संकल्प किया है जय विधि राखे राम, तो बस अडोलता बनी रहती है, हलचल में आके क्या करना। वो बताया ना, लक्ष्मी भगवान के भाई लड़ने आए, जान हो गई है बेटी, तुम लोग शादी की नहीं सोच रही, तू ऐसे कर रही। दादाजी लक्ष्मी भगवान दोनों ऐसे बैठे रहे, वो बोल बोल के घंटा सवा चले गए। उनके जाते ही दादा बोलते हैं खाना लगाओ खाएं, नो डिस्कशन। फिर उन लोगों ने अपने आप ही लड़का ढूंढ लिया, आके बहन को बताया, लक्ष्मी भगवान को, हमने लड़का ढूंढा है, हमने रिश्ता किया है, ले जाओ लड़की। वही ले गए, रिश्ता कर दिया, वही ले गए, शादी हो गई, शादी में भी नहीं गई, बैठी रही आराम से। यही उसका स्टाइल था, ऐसे बैठी रहती थी। शादी में नहीं गई, देखा नहीं दामाद। फिर एक दिन लड़की ने फोन किया कि वो आना चाहता है, मिलना चाहता है, एक बार देखें तो सास को। हम नहीं मिलना चाहते। क्यों? मेरे को सास करके देखेगा। बेटी आती जाती थी, उसको पता ही नहीं था दामाद है कौन सा मेरा, मिली ही नहीं कभी, खत्म हो गई बात। जब इतना बड़ा आदर्श है हमारे आगे, हम छोटी छोटी बातों में क्यों घबराएं? दादा बोलते थे कोई मुझे आके कह दे तेरे चार ही बेटे इकट्ठे एक्सीडेंट में खत्म हो गए, तो मैं कहूंगा ऐसा भी होता है। बोला मैं इससे ज्यादा कोई बात नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा ऐसा भी होता है, जा सकते हैं चारों इकट्ठे, कोई बड़ी बात नहीं। बस सब कर्जदार हैं और कुछ नहीं, अपना अपना कर्जा लेके चलो भाई, महाजन विदा हो जाएं, ठीक है, और क्या करना। सब अपना अपना कर्जा ले जाएं, मुझे खाली कर दें, मैं अपनी जगह खुश, अगले अपनी जगह खुश, बाकी कर्म कहानी जिसकी जैसी है वो उसको प्रेरित करेगी, चलाएगी। हमारे दिमाग देने पर भी दिमाग हो सकता है ना ले अगला, ठीक है, फिर ऐसा होता है। रावण को सबने कितना दिमाग देना चाहा, नहीं माना ना, क्या किया जाए। सबने समझाया पर अब बुद्धि विनाश की तरफ, वो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, समय आ गया विनाश का, बुद्धि हो गई विपरीत, अब कोई क्या कर सकता है, कोई कुछ नहीं कर सकता ऐसे में, अगले का विनाश काल है। मरा रावण, फिर अपने विनाश का इंतजाम किया उसने। तो हम नहीं जानते ना किसकी कर्म कहानी, किसको कहां। अब वही रावण के घर विभीषण बैठा है, और वो विभीषण जो है वो राम की शरण आके अमर हो गया। उसको राम की भक्ति का वरदान मिला, इतनी सुंदर जीवन मिली, ऊपर लंका का राज मुफ्त में मिला। रावण तो कब मरता और कब मिलता, राम जी ने पहले ही एक साल में ही सारी कहानी पलट के रख दी। विभीषण लंकेश हो गए, लंकेश्वर भय सब जग जाना, विभीषण लंकेश्वर हो गए। देखो रावण को अफसोस भी यही रहा, मरने लगा, राम जी को कहता है मेरा ऐश्वर्य तुमसे ज्यादा, मेरा बल तुमसे ज्यादा, मेरा धन तुमसे ज्यादा, सब कुछ ज्यादा था, बस एक चक्कर था, तुम्हारे पास भाई अच्छा था लक्ष्मण, मेरे पास भाई था विभीषण। अफसोस भी यही लेके गया, वो बोला ये मेरा भाई मेरे नाश का कारण बन गया, मेरे पास भाई ठीक नहीं था, तेरे पास भाई अच्छा था, तेरे भाई ने तेरी मदद की, मेरा भाई विपरीत चला गया। लेकिन विपरीत जाके भी उसने सही किया, राम की भक्ति चुन ली। तो जीवन में समय आते हैं जहां चुनाव करना पड़ता है, ठीक है, हम अपने राम को ही चुनते हैं, हम राम के संगी रहते हैं, अपने चित्त को अडोल रखते हैं। ये संसार का खेल सब चलता रहेगा, चलता रहे, हमें क्या फर्क पड़ रहा। अगर हम अभी जीते जी आंखें बंद कर लें अपनी, फिर क्या है, कुछ नहीं।
दादा बोलते थे मेरे से ले जाओ सफेद चादर ओढ़ के सो जाना, बस ना कोई चिंता ना कोई ख्याल ना कोई बात, सब ख्यालों से खाली होके बैठो, तुम्हारा आनंद बना रहना चाहिए। कोई आए कोई जाए, किसी को साथ रहना है किसी को नहीं रहना है, किसी को कुछ करना है, मेरा आनंद वहीं का वहीं है। इफेक्टलेस हो जाओ, एकदम बिल्कुल इफेक्टलेस हो जाओ तो मजा आ जाएगा। हर पल अंदर से वाह वाह शुक्राने ये निकले, बाकी सब बातों को खत्म करके बैठो। होवे परले इस विश्व का, मुझको ना कुछ भी त्रास है। ब्रह्मा मोया विष्णु मोया मोई लक्ष्मी बाई, चुप चुपाते पींदे जाइए नशा ए लाई। ब्रह्मा मोया माना माँ बाप भी गए, बाप गया, विष्णु माना माँ गई पालने वाली, मोई लक्ष्मी बाई, साधन भी छूट जाए चाहे सारे, पर चुप चपाते पींदे जाइए नशा ए लाई। मौज में रहो, आनंद में रहो, ना आनंद कभी होना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, जिसका काम है वो आपे देखेगा, जिसने सृष्टि उपाई है वो संभाल रहा है। सैल पत्थर में जंत पाया तिना भी रोजी दे, तो हम क्या कर सकते, अपने आप पालेगा संभालेगा चलाएगा। भगवान को मुनीम रख लो, खुद अपना सेठ होके बैठ जाओ। मुनीम जी को कह दो संभालो कारोबार, रहेगा चित्त डोल के नहीं, आवाज नहीं।